सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको सर्प शिर मुद्रा बतलाने जा रहा हूँ। इस मुद्रा को करने के लिए आप प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय चुन सकते हैं और पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन में बैठ सकते हैं। यदि नहीं बैठ पाते हों इनमें से किसी में भी, तो आप कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। यह मुद्रा कम से कम 30 सेकंड और 15 मिनट के बीच किया जाता है। आपके पास जितना समय हो, जितनी सामर्थ्य हो, उतना आप इसे करें। 10 मिनट में यह सिद्ध माना जाता है, 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। तो यह जो मुद्रा है, इसके लाभ उनके लिए बहुत ज़्यादा है जिनके तत्व जो हैं हमारे, जैसे जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व हैं, ये बिखरे पड़े हैं। यानी जो हर दिशा में काम करता है परंतु उन्हें समेट नहीं पाता, उनके लिए बहुत लाभकारी है। या इनसे संबंधित कोई रोग हो गया, उनके लिए भी लाभकारी है। और इन तत्वों का जो समुचित प्रयोग नहीं कर पाता है, और अगर करता भी है तो उसमें वो गति नहीं होती है, यानी उतने फोर्स के साथ नहीं कर पाता है, तो उतने प्रभावी ढंग से नहीं कर पाता है। इस कारण यह उतना लाभकारी उनके लिए नहीं हो पाता है कि भाई तत्व उनके पास हैं, सब कुछ है, परंतु उसको जब हम गति नहीं प्रदान कर पाएंगे, यानी उसको प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हम सारा मैटर जानते हैं, हमें स्टेज पर चढ़ गए, सारा मैटर जानते हैं, और हम उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए ढंग से। तितर बितर होकर के कभी दो चार फैक्ट इधर का, दो चार फैक्ट उधर का, इस तरह से लिए, और उसका ओवरऑल इफेक्ट नहीं आ पाया ऑडियंस पर, ऐसा आ जाता है। उसी तरह से कोई भी काम करते हैं तो उतना ढंग से नहीं कर पाते हैं, उसको कायदे से गति नहीं दे पाते हैं। और जिन लोगों को शरीर में काफ़ी विजाती तत्व तो आम वात के कारण जो बन जाते हैं, या बहुत सारे इस तरह के भोजन का सेवन करते हैं जिसको कि एक तरह से कबाड़ भोजन कहा जाता है, जंक फूड जिसको कहते हैं, उसके खाने से जो है शरीर में विजाती तत्व तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो उन विजाती तत्वों को बाहर निकालने में यह बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। अब उन विजाती तत्वों को आपके शरीर से निकालना जरूरी है, अन्यथा वे बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देंगे। मोटापा है, गैस है, बहुत सारी चीज़ों। अनिद्रा की शिकायत है, रक्तचाप बढ़ जाता है, तो इस तरह से जो अनियंत्रण हो जाता है, वैसे जंक फूड खाने की वजह से, तो ऐसे विषैले तत्वों की वजह से, और ऐसे अगर अच्छे भोजन भी ले रहे हैं तो आजकल आप जान ही रहे हैं खाद और ये सब कीटनाशक दवाइयों के कारण जहरीला हो गया है, तो उस जहर को निकालने में यह मुद्रा बहुत प्रयोग में है। तो सर्प शिर मुद्रा बहुत आसान है, आपने देखा होगा नाग का फन कैसा होता है, तो उस तरह से ही यह है। आप दोनों हाथों को ऐसे उठा लेंगे और इसको उंगलियों को मोड़ देंगे, सारी उंगलियां सटी रहेंगी इस तरह से, मोड़ देंगे, यानी जिस तरह से नाग सांप होता है आप ऐसे करना। इसे सर्प शिर मुद्रा कहते हैं। ऐसा कम से कम आपको 30 सेकंड रखना ही पड़ेगा, तभी इसका कुछ इफेक्ट आपको नजर आएगा।
30 सेकंड से लेकर के आप एक मिनट दो मिनट, औसत जो है 5 मिनट का आपको इस पर वो करना है, फोकस करना है। 5 मिनट तक आप में हाथ में शक्ति चाहिए कि आप इसको उठा के रख सकें। शुरुआत में तो लगेगा कि बहुत आसान है, ऐसे कर लें, लेकिन जैसे जैसे एक मिनट बीतेगा तो आपको अपना हाथ भारी लगने लगेगा और आपको लगेगा ताकत की कुछ कमी पड़ रही है। तो इसे आप 5 मिनट तक उठाने का दमखम रखें। यह जो सर्प सिर मुद्रा है यह उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनके भीतर में यौन ऊर्जा की कुछ कमी है। आप जानते ही हैं सांप जो होते हैं वे यौन के मामले में, यौन सुख के मामले में बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो जिनको यौन सुख की कमी है उनके लिए भी यह मुद्रा बहुत लाभकारी है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट 5 मिनट नहीं करने पर नहीं आ पाता है। 5 मिनट तक वो कम से कम करना पड़ेगा तभी वह इफ़ेक्ट आएगा, और खड़ा रखना पड़ेगा इस तरह से। तो इस मुद्रा को करें और इसका लाभ उठाएं। आज इतना ही। ओम।